This is 4:45 in the morning. City center is all, what do you call, empty. Hey everyone, good morning from Leh. मेरा नाम निखिल है. वेलकम बैक टू ट्रैवलिंग टैंक्स. मैं हूँ अभी लेह के बस स्टॉप पे. सुबह 4:45 मैंने अपना हॉस्टल छोड़ दिया था एंड आई वॉक्ड डाउन टू द बस स्टैंड which was around 3-4 kilometers. It was a downhill walk. So I walked instead of calling a cab. And अभी बस स्टॉप में नज़ारा ऐसा है कि बिल्कुल ही खाली है, कोई भी नहीं आया हुआ. एंड जो मेरी बस से आज है पेंगोंग के लिए, जो सुबह 6 बजे है. सो लेट्स सी चहल पहल कब शुरू होती है यहाँ पे. फिर मैं भी आपको दिखाता हूँ बस जर्नी अपनी. सीट जो मिली है अनफॉर्चुनेटली आज पीछे की मिली है. सो देखते हैं अगर कुछ एडजस्टमेंट हो पाती है यहाँ पे तो फिर मज़ा आ जाएगा अगर होगी एडजस्टमेंट तो. सो लेट्स सी. अभी तक कोई आया नहीं है, चाय की दुकान खुली हुई है. यहाँ पे चाय पी लेते हैं, एक चाय पीते हैं फिर फ्रेश हो जाएंगे हम भी. बस पूरी भरी हुई है, फुल है. बस आ गई हमारी, यही बस है जो पीछे खड़ी हुई है. एक बड़ी सामान अगर डाल सकते हैं अंदर तो देखते हैं, बेस में सामान डाल दें फिर चढ़ते हैं बस के अंदर, फिर देखते हैं बस का नज़ारा कैसे है. बस चल पड़ा है हमारा 7 बजे. 7 बजे है ना अभी, 7 बजे बस चल पड़ा है. बस इज फुल, बल्कि सीट्स के पीछे डबलिंग हो गई है तो यहाँ पे वैसे ही बहस चल रही है. एंड लेट्स एंजॉय द जर्नी. अनफॉर्चुनेटली टायर के ऊपर बैठे हुए हैं और अभी डिबेट चल रही थी ILP के लिए. ILP यानी कि इंटरलाइन परमिट. इस ट्रिप के लिए हम अगर बस से जा रहे हो तो हमें चाहिए या नहीं चाहिए तो देखते हैं. बिकॉज हमने अभी बस स्टैंड में आके ILP मैंने बनवा तो लिया है अपना, बट आई डोंट नो आगे चाहिए नहीं चाहिए. सो लेट्स सी, अगर नहीं चाहिए होगा देन आई विल डेफिनेटली लेट यू नो. बट टू बी ऑन अ सेफर साइड इट इज़ बेटर कि ILP बनवा लो ताकि आपको स्ट्रेस ना रहे कि भैया चाहिए या नहीं चाहिए. इट्स एनी वे कॉन्ट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट सर्विसेज. सो अब देखते हैं, बस चल तो पड़ी है. बस ने अपना पहला हॉल्ट ले लिया है. हम लोग अभी हैं खरू में, विच इज़ 1 आवर फ्रॉम द बस अड्डा फ्रॉम वेरी स्टार्टेड. तो अभी खड़ा में 20 मिनट्स का हॉल्ट है. सो लेट्स फ्रेशन अप, कुछ खाते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह खाते हैं क्योंकि सुबह सुबह उठे हुए हैं. ब्रेकफास्ट में देखते हैं आप एक दो रेस्टोरेंट्स में देखते हैं, दिखाते हैं आपको. कैफे राइनो भी है, ब्रेकफास्ट करके निकले थे फर्स्ट चेक पोस्ट एंड बस रोक ली है फॉर चेकिंग द ILP. बट मेरे ख्याल से जो बस का है, जो गवर्नमेंट बसेज हैं उस पर ILP का इतना वो लोग नहीं पूछ रहे हैं, उसमें डिटेल्स नोट डाउन भी नहीं कर रहे हैं. बट अगर आप प्राइवेट व्हीकल्स जा रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं तो यू शुड हैव योर ILP एंड योर पेपर्स, बाइक पेपर्स या गाड़ी पेपर्स, एंड दे शुड बी रजिस्टर्ड ऑन योर नेम. सो इतना चेकिंग हमारा तो हुआ नहीं, बट अगर आप लोग प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो इंश्योर दैट यू हैव प्रॉपर पेपर्स. हम लोग अभी पहुंच गए जिंगराल, इट्स मिलिट्री पुलिस बेस. तो उन्होंने हमारी बस रोकी हुई है अभी, फॉर व्हाट वी डोंट नो. देखते हैं एक बारी, वो बताएंगे भी बाकी ट्रैफिक को भी रोक रहे हैं. मे बी दे विल चेक सम परमिट्स एंड ऑल. अगर आप सामने देखेंगे, देखिए जिंगराल लिखा हुआ है एंड दिस इज जिंगराल पोस्ट मिलिट्री पुलिस एंड दिस इज द पर अभी कॉन्वॉय चल रहा है उसका, मिलिट्री ट्रक्स का. मे बी इसलिए ना रोकी हूँ बस. बस इसलिए रोकी है बिकॉज यहाँ पे कॉन्वॉय करके चला रहे हैं 15 गाड़ियाँ. वो अभी जैसे ट्रक्स ऊपर के हैं वो रिलीज़ करेंगे, उसका जब 15 गाड़ियाँ यहाँ पे हो जाएंगी तो फिर यहाँ से रिलीज़ करेंगे, तो इसलिए कॉन्वॉय करके चला रहे हैं. सो अभी वी हैव 15-20 मिनट्स ओवर हियर, सो वी कैन टेक द फ्रेश एयर. जस्ट स्टॉप्ड एट दुर्बुक फॉर फ्यू मिनट्स फॉर लंच. इतनी भूख लगी थी पहले लंच खा लिया, उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ.
आई एम सॉरी गाइस बट पापी पेट का सवाल था एंड आई डोंट नो स्टमक में फिर क्रैम्प्स आ रहे थे, ये चेक करना पड़ेगा गाड़ी। बस ऑन कर दिए बस, सो आई जस्ट वेट साइड ना। दिस वेयर वी हैड लंच, माउंट कैलाश रेस्टोरेंट एंड दिस इज द व्यू। पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे और सिर्फ एक ही वर्ड निकलता है, वाव फैक्टर, और कुछ नहीं। इट इज सो ब्यूटीफुल, सो सीनिक एंड पानी के अलग अलग जगह पे अलग अलग कलर्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ। इट इज़ ब्यूटीफुल और लेक छोटी नहीं, लेक बहुत बड़ी है। और अब मैं आपको मैं लेक दिखाता हूँ यहाँ पे, इट इज़ ब्यूटीफुल। और यहाँ पे हमने अपना स्टे का भी कर लिया है, होम स्टे है। पहले लोग हमसे मांग रहे थे 1000 rupees पर पर्सन and fooding extra, but then we bargained, they said if we have 4 people so they'll give it for 3700 with food, so we have taken that deal. Abhi main aapko thodi der mein homestay bhi dikhata hu and yahan ke locals se unse bhi baat karte hain jaldi. Here is hamari bus jisse hum log abhi aaye hain aur ye bus kal subah chalegi 7 baje yahan se. Hopefully passengers wahi honge jo aaj aaye hain. Aur ye raha hamara samne होमस्टे का नाम है बर्मा होमस्टे एंड ठीक है, डिसेंट है, थोड़ा गाँव वाली फीलिंग है बट अच्छी बात है ना जिसके लाए हुए। और यहाँ से सामने है कोंग लेक, लेक छोटी नहीं, लेक बहुत बड़ी है, बहुत ब्यूटीफुल है। इसका अभी भी कलर्स चेंज होते जा रहे हैं धीरे धीरे एंड विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अभी यहाँ पे एक बार वॉक करने जाएंगे नियर द लेक, फिर मैं आपको क्लोजली दिखाता हूँ लेक। इसके लिए इतनी दूर ट्रैवल करके आए थे, आई विल से इट इज वर्थ इट। अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर आइए, इट इज़ डेफिनेटली वर्थ इट, इट इज़ ब्यूटीफुल। और ठंड बहुत है तो वार्म क्लोथ्स प्लीज़ कैरी करिएगा अपने। और इसके साथ ही हम आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं बिकॉज ठंड बहुत हो रही है, अब तो पकड़ा भी नहीं जा रहा है, जो अपना ट्राईपॉड है वो पकड़ा भी नहीं जा रहा है। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर एंड बी हैप्पी। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सून।